जब सिकंदर सबको विध्वंस करते हुए धन संपत्ति एकत्रित करते हुए विजयश्री को प्राप्त हो रहा था, बड़ा गर्व से फूला हुआ जा, तो कुछ महात्मा जन आगे मिले, नाचने लगे। उसने सबको रुकाया और नजदीक, क्यों नाच रहे हो, क्या मेरे को देखकर नाच रहे? बोले हाँ, आपको देखकर नाच रहा हूं। आप बड़े बलवान हैं, बड़े वीर हैं, वो आपका भय है, मैं गरीब हूं, मेरे पास जो वस्त्र हैं फट जाते हैं तो सुई की जरूरत होती है, मैं एक सुई धागा रखता हूं। सुना है कि मृत्यु सबकी आती है, तो मैं भी मरूंगा, पर आप तो वीर बहादुर सबको मारते हैं, आप ये सुई धागा मुझे दे देना परलोक में। तो उसने कहा, तुम महात्मा कैसे हो, जब ये भी नहीं जानते कि सुई धागा भी नहीं जा सकता, तो आप ऐसा आदेश क्यों करते हैं? बोले, ये हम तुम्हें समझाना चाहते थे, इसलिए कभी भी अधर्माचरण न करे, कभी किसी को दुख न पहुंचाए, बहुत छोटी जिंदगी है। जैसे 100 वर्ष, तो जानते हो 100 वर्ष कितने? ब्रह्मलोक में कमल की पंखुड़ी को ऐसे छेदा जाए, 1 वर्ष हो गए यहाँ के। जब वो बछड़ों का और सखाओं का अपहरण किया था ना ब्रह्मा जी ने, उस समय इसका वर्णन आया है कि ब्रह्मलोक में एक कमल की पंखुड़ी ऐसे छेदी गई तो यहाँ का 1 वर्ष हो गया। अब बोलो, अपने 100 वर्ष कितने हैं? ब्रह्मा जी के सामने मच्छर जैसा जीवन हमारा है। अगर इस जीवन में भगवत प्राप्ति न हुई, धर्म न हुआ, भजन रूपी धन न हुआ, 4 लोग तुम्हें भाव से न चिंतन करें कि यार बहुत सुंदर अधिकारी थे, बहुत समाज सेवा में तत्पर थे, तो फिर हमारे जीवन का मतलब क्या रह गया? धर्मात्मा पुरुष अपने यश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी विसर्जन कर देते हैं। तो आप पहले हमारे दिमाग से हट जाना चाहिए कि धन के द्वारा सुख मिलता है, नहीं, धर्म के द्वारा सुख मिलता है। अगर हमारे शास्त्रों में वर्णन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म और मोक्ष के बीच में दोनों को रखा गया है, अर्थ और कामनाएं। अगर आप धर्म से अर्थ कमाएंगे तो उनकी कामनाओं की पूर्ति मोक्ष तक ले जाएगी, और अगर पहले धन रख दिया फिर धर्म नहीं हो पाएगा। जिनको ये भ्रम है कि धन से धर्म होता है, वो ठीक नहीं समझते हैं। धर्म से धन की प्राप्ति कीजिए, फिर 4 रोटी हैं, 1 रोटी की भूख रखकर किसी दूसरे को दे दोगे, वो धर्म माना जाए। स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, और तो ऐसे एक विषय होना चाहिए इस जीवन को स्वस्थ बनाने का, कि आपका ब्रह्मचर्य कम से कम 20-22 वर्ष की अवस्था तक ठीक रहे। कोई ऐसे क्रियाएं ना करे, जैसे छोटे छोटे बच्चे सीख गए ना क्रियाएं, और उनका डॉक्टर लोग सपोर्ट करते हैं कि आपका स्वास्थ्य इससे, कैसी बुद्धि भ्रष्ट है भला, वीरपात से किसी का स्वास्थ्य ठीक होता है? और उदाहरण देते, जैसे खून निकलवाने से खून बनता है, 40 किलो अन्न जब आप पचा लेंगे तब 1 संतान उत्पत्ति की सामर्थ्य प्रकट होती है। अब वो अनजाना बच्चा, उसको ज्ञान नहीं है, और डॉक्टरों ने सपोर्ट कर दिया, वीडियो और मित्रजन उसको, और वो ऐसे वीर शक्ति का नाश, वो क्या विवेक रह जाए? हमें लगता है कि आप लोग जैसे बड़े पदों में हैं, तो ऐसा करना चाहिए कि समाज को, जो विद्यार्थियों का जीवन, कुछ ऐसा एक पढ़ाई में विषय रखना चाहिए जिससे उनको इसका पता चले। छोटे छोटे नई अवस्था के बच्चे ऐसे विकारों से ग्रस्त, ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं, इनका भावी जीवन बहुत अमंगलमय होगा। जैसे छोटी छोटी बच्चियों का स्वभाव बिगड़ता चला, ये कहीं पत्नी व्रत पाति व्रत ये सब नहीं हो पाएगा, तो फिर पति पत्नी में प्यार नहीं तो गृहस्थी कैसे चलेगी? फिर क्या वो अपने मार्ग में, अपने मार्ग क्या जीवन रह जाएगा? पवित्रता नहीं, धर्म नहीं। अब बड़ा डर लग रहा है, जो आज की पीढ़ी का हमारा समाज बहुत बिगड़ता, छोटे छोटे बच्चे व्यसन कर रहे हैं, गंदी आदतों में फंस रहे हैं। तो ऐसा कुछ हो कि जैसे स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, और तो ऐसे एक विषय होना चाहिए इस जीवन को स्वस्थ बनाने का। आज हमें बहुत दुख होता है, नई समाज के बच्चे जो आधुनिक ना, माता पिता का अपमान कर रहे हैं, माता पिता की देख, हमें तो ऐसे वयोवृद्ध मिले जिनको घर से निकाल दिया गया, जब तुम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते, फिर प्राणों का पोषण करा आपके, तुम्हारी सोच उठाई, तुम्हारी लघु शंका अपने ऊपर कराई, अब उनकी अवस्था आ रही है सहने के लिए, तुम उनको त्याग रहे हो। भले पढ़े लिखे हो तुम, भले खूब पैसा कमाओ, उसका प्रयोग करो। विद्या तो विनय प्रदान करती है, कि वो दंडता कैसे हमारे समाज में आ रही है? जहां संयम होना चाहिए वहां व्यभिचार बढ़ रहा है। अब देखो नए नए बच्चे क्या हो रहा है, संयम की जगह व्यभिचार में प्रवृत्त हो रहे हैं। ये आगे चल करके इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ये निर्णय नहीं कर पाएंगे धर्म किसे कहते हैं, जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां कुमार्गामी प्रवृत्तियों का दर्शन करके, श्रवण करके उसी कुमार्ग में बह रहे हैं। एक बच्चा आया था किसी पुलिस अधिकारी का, तो कह रहा था मुझे आत्महत्या करने की इच्छा हो रही,
वो खुल के कह रहा था हस्त मैथुन करता रहा इसलिए मेरी दुर्दशा ऐसी हो। तो कुछ ऐसा विधान होना चाहिए जो हमारे विद्यालयों में नवीन बच्चों को शिक्षा दी जाए, ब्रह्मचर्य समझाया जाए, उसका महत्व तो समझाया जाए, माता पिता का नमस्कार करना, प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद कितना जीवन में उन्नति प्रदान करता है, माता पिता की सेवा करना कितना उन्नति प्रदान, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। और अपने को स्वयं संयम में रख करके अपने देश का अपने परिवार का मंगल हित चाहे तो भगवान का आश्रय लेकर धर्मपुर काशी से झांसी झांसी से। अच्छा तो क्या सेवा करें आपकी बताओ। हम लोग मतलब दिल्ली में फ्यूचर टी टी क्रिकेट में क्रिकेट खेलते हैं। अच्छा मतलब हमें इंडियन टीम में खेलना है, आपका आशीर्वाद चाहिए। अच्छा तो नाम जप करते रहो, व्यायाम करते रहना और गंदी आदतें जो बच्चों में होती है वो मत करना, अर्थात ब्रह्मचर्य से रहो, नाम जप करते रहो और व्यायाम करते रहो और ऐसा उत्साह रखो, ठीक है ना। एक सोझा जी नाम के गृहस्थ थे, उनका चरित्र है भक्तमाल जी में, वो महाभागवत थे, उनका ब्याह हुआ, पत्नी है, एक संतान हुई। जब संतान हुई तो उनको पत्नी को प्रसव पीड़ा में बहुत कष्ट होता है, उसका रोना चिल्लाना ये सब सुन करके जब प्रसव हो गया, बच्चा कुछ समय का हो गया, तो उनका जीवन में दोबारा में गर्भ धारण करने की चेष्टा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत कष्ट होता है, और अब मैं ऐसे संसार से विरक्त भाव में भजन करना चाहता हूं, अब नहीं। पत्नी से प्रार्थना की कि तुम्हारा पाणि ग्रहण किया है इसलिए तुमसे हम अनुमति मांगते हैं या हमारे साथ चलो, अगर आप तो घर में सब सुख सामग्री है, बच्चा है, आप पालन पोषण करो, पर मैं विरक्त होकर आज से भगवान का भजन करूंगा। यदि आप कहती हो कि पाणि ग्रहण किया तो हमारे हाथ में हाथ मिलाओ चलो, जैसे मैं रहूंगा वैसे रहना होगा, पर साथ में कुछ नहीं कोई नहीं और भजन करना होगा। तो उन्होंने कहा मैं आपके बिना तो रह ही नहीं सकती, आपके साथ चलूंगी। तो चली, जब गांव के बाहर निकली जंगल में पहुंची तो देखा थोड़ा धीमी चाल है, तो उनका जल्दी से आओ ना, तो देखा गोद में बच्चा है। तो पलड़ ने उनका कहा था कि हमारे साथ अन्य कोई नहीं चलेगा, सिर्फ आपकी अनुमति है, आप बच्चा ले। तो बोले नवजात शिशु इसको कहां छोड़े, इसको कौन पालन पोषण करेगा। तो उन्होंने कहा सब जीव जंतुओं का पालन पोषण करता है वही भगवान करेगा, या तो वापस हो जाओ या बच्चा यहीं छोड़ दो। वो कैसे छोड़, उनका भगवान का भरोसा, छोड़ यहीं बच्चा या वापस जा। वो महाभागवत थे पर पत्नी अपने पति को भगवान मानती थी, छोड़ दिया बच्चा। 12 वर्ष तक भजन साधन एकांत तीर्थों में भ्रमण, जब उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो उसको एकांत में बार बार क्या हुआ होगा मेरे बच्चे का। तो उनका चलो आज तुम्हारे अंदर जो बार बार एक प्रश्न रहता है उसका उत्तर दिला देते हैं। अपने गांव में आए और बाहर बैठ गए, तो 12 वर्ष में दाढ़ी बाल ऐसे तो कोई पहचान नहीं। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ तुम्हारे गांव में एक सोझा जी थे, सुना वो संत बन गए, तो उनके कोई संतान थी, क्या हुआ आपको पता है। तो उनका अरे भाई उनके भाग्य क्या कहने, सोझा जी को जब जाते हुए सुना तो यहाँ का जो राजा था वो बड़ी श्रद्धा रखता था, तो उसने घुड़सवार दौलाए, सोझा जी तो मिले नहीं लेकिन उनका लड़का मिल गया जंगल में, उसको उन्होंने रख लिया, उनके कोई लड़का नहीं था, तो अब युवराज पद पर वो है। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, और वापस हो गए। पत्नी से कहा देखा घर में रहते तो हम गरीब किसान थे, लड़के को क्या बना पाते, लेकिन भगवान के हुए तो क्या बना, युवराज, और आगे चलकर वही राजा बनेगा। अब चिंता मत कर, चुपचाप भजन कर, ना कोई जंगली पशु पक्षी खा पाया बच्चे को, ना कोई हानि पहुंची, और अरे सर्व रक्षक भगवान, भरोसा भगवान का। तो तुम माँ हो, तुम्हारा सोचना ऐसा ठीक ही है पर वो मोह के कारण। भगवान विश्व के माता पिता, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, वो विश्व का पोषण कर रहे हैं। देखो पशु पक्षियों का, कितने सुंदर सुंदर पक्षी और जंगल में रहते हैं, हष्ट पुष्ट रहते हैं, कोई उनकी दवा करने वाला नहीं। रहीमन बहु भेषज करत ब्याज न छाणत साथ, खग मृग बसत अरोग हरि अनाथ के नाथ। उनकी कौन दवा करता है, कौन भोजन, सब हष्ट पुष्ट स्वस्थ। भगवान पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं, आपकी संतान का भी भरण पोषण करेंगे। इस बात से डरो मत, भजन परायण रहो, जब तक श्वास है तब तक उनकी सेवा करते रहो, नहीं तुम्हारी जहां तक सेवा संपूर्ण भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु अब आप देखना, हम तो आपके विधान के अनुसार जा रहे हैं लेकिन ये जो सेवा है आप संभालना, भगवान संभाल। अपने पति को साक्षात भगवान मानने लगो,
और वैसे ही बर्ताव करने लगो, उसकी प्रतिकूलता पर भी मुस्कुरा के बात करो, तो यही प्यार भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। तो भगवान के बिना तो आसक्ति हो नहीं सकती, आप भी नहीं कर सकते। अगर मान लो जैसे आप पति से प्यार करते, उनके हृदय से भगवान अंतर ध्यान हो जाए, तो प्राणों का संचलन तो आत्म तत्व की ही प्रकाश से हो रहा है, वो अंतर ध्यान हुए निष्प्राण। अब भला पति से प्यार करके दिखाओ, तो कहीं ना कहीं आप अनजाने में भी भगवान से प्यार कर रहे हैं। सबके अंदर भगवान की ही बिजली है, सब में ईश्वरी शक्ति है, और वो ईश्वरी शक्ति अंतर ध्यान हो जाए तो कोई किसी से प्यार नहीं करेगा। आप देखो, चाहे जितना लाडला पुत्र हो, भगवान अंतर ध्यान हो गए तो भले रोते हुए पर आप उसका दाह संस्कार कर देंगे, जला देंगे। पूछे कि आप जो इसके अंदर था उसको जानते हो क्या? तो नहीं, नहीं जानते। तो जिसको जानते नहीं उससे प्रीति क्या? शरीर को जानते थे उससे प्रीति करते थे, अब इसको क्यों जला रहे हो? बोले नहीं, वो तो चला गया, वो कौन? परिचय नहीं। तो देखो, अनजाने में भगवान को आदर प्यार दे रहा था ना, तो आप जान करके करने लगो कि हे कृष्ण, हे राम, हे शिव, जो भावना हो मेरे पति के रूप में आप। और ये शास्त्रीय सिद्धांत है, अपने पति को भगवत स्वरूप मानना, इसी से बात बन जाएगी। कई बार हमने कहा कि यदि नाम जप करते हुए किसी भोग को भोगो और फिर एकाग्रता पूर्वक देखो उसमें क्या सुख है, तो अंदर से उत्तर आएगा नहीं, पर नाम होना चाहिए, उस समय नाम चलना चाहिए, क्योंकि वही तो प्रकाश देगा, नहीं तो मलिन अंतःकरण तो तुच्छ भोगों में ही अमृत सुख का अनुभव कर रहा है। यदि आपका मन ये अनुभव कर ले कि इसमें सुख नहीं है, तो तृष्णा नष्ट हो जाए। पर इसका अनुभव होता है विवेक से, जो बुद्धि में जागृत होता है, और विवेक होता है सत्संग से, और सत्संग का स्वरूप है हमारे आचरण पवित्र हो और हमारा चिंतन पवित्र। जो मेरे साथ बर्ताव और मुझे अच्छा नहीं लगता, सीधी बात, वो बर्ताव हम किसी के साथ ना करें। जैसे कोई हमारी बहन बेटी को गंदी दृष्टि से देखे, हमें नहीं अच्छा लगे, तो वो हम कृत्य ना करें। कोई हमारी जो भी आत्मना प्रतिकूलानी परेशान, बाहर का आचरण पहले शास्त्र प्रमाणित ठीक करो, और अंदर का नाम से ठीक होता है। सत्संग का फल है नाम, अगर सत है तो भगवान का नाम है, और हर समय नाम जप कर रहे तो संग है उसका, तो सत्संग है ना। अगर अंदर सत्संग है और बाहर सदाचरण है, तो तृष्णा, दुर्वासना, कामना, स्प्रिया सब भस्म हो जाते हैं। जैसे एक यति सन्यासी भगवत चिंतन करके भगवत प्राप्त होता है, ऐसे एक सती पति का चिंतन करके भगवान को प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि हम एक छोटी सी छवि में भगवत भावना कर सकते हैं, तो अपने पति में भावना करें, अपनी पत्नी में, अपने पुत्रों में, तो क्या भगवान नहीं मिल जाएंगे? सोचो, हम कोई छवि विराजमान, मेरे भगवान, वो तो चलते फिरते भगवान ही है उनमें। भगवान ना हो तो चल ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, देख ही नहीं सकता। ओ मेरे भगवान, मेरे पति के रूप में बस। अब जैसे हम भगवत भाव नहीं रखते, ऐसे आसक्ति करेंगे, तो फिर गति बिगड़ जाएगी। फिर गति, जैसे हिरण से प्यार किया भरत जी ने, तो हिरण बने जाके ला। अगर उसी में भगवान का भाव कर लेते, जैसे कुत्ते में भगवान का भाव किया, तो विट्ठल भगवान पर चूक हो जाती है। हम भगवत भाव नहीं रखते तो वही प्यार हमारे बंधन का कारण बन जाता है, अगर उससे भगवत भाव कर ले तो वही प्यार हमारे मोक्ष का कारण बन जाता है। पहले हमें ये भ्रम था बचपन में जब संत बने थे, कि ये सब काम आदि विकार 30-40 तक, इसके बाद सब शांत हो जाते होंगे। हनुमान तो एक 92 वर्ष के गांव के पूर्व प्रधान थे, वो आया करते थे संतों से मिलने, तो उनसे एकांत में मिले, 18-20 की अवस्था हो गई है। तो हम कहा बाबा ये मत समझना कि हम किसी गंदी भावना से आपसे बात कर रहे हैं, हम अनुभव आपका लेना चाहते हैं, बताइए आपके अंदर क्या काम वेदना होती है? तो उन्होंने देखा उस समय ब्रह्मचर्य व्रत में थे, तो ब्रह्मचारी कहते थे लोग, ब्रह्मचारी जी। तो उनका ब्रह्मचारी जी, हमने अपने मन को बाल्यावस्था में भी देखा, जवानी में भी देखा, बूढ़ा हूं अब भी देख रहा हूं, मन में कोई फर्क नहीं है, मन में वैसे ही दशाएं हैं, तन में सामर्थ्य नहीं रह गई। ये हमने तो सोचा था 30-40 के बाद इन विकारों से मुक्ति मिल जाती होगी, फिर संतों से पता चला कि निर्विकार होने के लिए अध्यात्म मार्ग में अभी इसी जवानी में निर्विकार हो जाओ, ये अवस्थागत दोष नहीं है कि बुढ़ापे में ठीक हो जाएगा। अगर आप भजन बल से ठीक हो गए तो हो गए, नहीं तो ये जन्म जन्मांतर ही बने रहते हैं। अगर नाम चल रहा है तो आप देखो किसी भी भोग में सुख, नाम छूटा तो आपको लगेगा सुख है, अगर नाम चल रहा है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी, क्योंकि नहीं है अच्छा, यहां मलिन मन है इसलिए अच्छा लग रहा है। जहां निर्मलता छाई तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। ब्रह्मादि के भोग क्योंकि माया में है ना, नाम भगवान ऐसी कृपा कर देते हैं,
जी फिर सच्चा वैराग्य जिसे कहते, भोगों के बीच में रहते हुए भी भोगने की इच्छा ना होना, इसे वैराग्य कहते हैं। तो कोई आईएएस आईपीएस और आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी हैं, कोई कृषि विभाग के अधिकारी हैं महर्षि, इनके इन सब के लिए आपका कोई मार्गदर्शन महर्षि? हाँ, हमारे भारत देश की सेवा का जो आपको अधिकार जितना मिला है, जो पद मिला है, वो हमारी आराधना है। हम लोग यदि अपने कर्तव्य का अक्षरशा पालन करें और उस कर्तव्य को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, तो हमें लगता है और कोई अलग से आराधना करने की जरूरत नहीं है।